दोस्तों ऑटोकैड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल यूजर्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑटोकैड की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में। फ्रेंड्स ये वीडियो ऑटोकैड ऑल सेटिंग्स का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले अपनी पार्ट 1 वीडियो में ऑटोकैड की कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में भी बताया है, जैसे कि वर्कस्पेस क्या होता है, ऑटोकैड में कितने वर्कस्पेसेस होते हैं और ऑटोकैड की किस सेटिंग्स को किस तरह से सेट किया जाता है, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, व्यू क्यूब क्या होता है, टॉप व्यू किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस तरह की कुछ सेटिंग्स के बारे में मैंने अपनी पार्ट 1 वीडियो में बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो को जाके चेक कर सकते हो और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देखिए ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑटोकैड में बिगिनियर हो, एक स्टूडेंट हो या ऑटोकैड सीख रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे ऑटोकैड के कर्सर के बारे में। ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है जिसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये हमारा कर्सर है। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, ये जो प्लस पॉइंट है इसको हम क्रॉस हेयर कर्सर बोलते हैं और ये जो बीच में आपको शो हो रहा है रेक्टेंगल टाइप, ये जो शो हो रहा है आपको, ये है हमारा पिक बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस कर्सर का यूज़ करके बताता हूँ कि ये कर्सर किस तरह से काम करता है। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए अभी आपके सामने ये एक पिक बॉक्स भी बना हुआ है और एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, अभी देखिए मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड ले जाता हूँ, जैसे कि मैंने एक कमांड एक्टिवेट की यहाँ से। देखिए अभी मैंने एक कमांड एक्टिवेट की तो यहाँ पे पिक बॉक्स तो गायब हो गया, सिर्फ एक प्लस पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये शो कर रहा है कि आपकी कोई कमांड एक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी कमांड एक्टिव है, जैसे कि आपने ड्रॉ कमांड ली है या फिर मॉडिफाई कमांड ली है। ठीक है, वो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि अभी आपकी कमांड ड्रॉ कमांड एक्टिव है या फिर मॉडिफाई कमांड एक्टिव है। देखिए अभी यहाँ पे आपने ड्रॉ कमांड ली है, यानी कि रेक्टेंगल कमांड लिए तो वो एक ड्रॉ कमांड है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसको जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ कमांड के लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट आया था। अभी सपोज़ कीजिए मैं एक मॉडिफाई कमांड लेता हूँ, मुझे इसको इरेज करना है, डिलीट करना है, तो कैसे करूँगा, यहाँ पे ये हमारी इरेज कमांड है, मैं इसको पिक करता हूँ। अभी देखिए ये हमारा कर्सर एक रेक्टेंगल बॉक्स में हो गया है कन्वर्ट। ठीक है, यानी कि एक पिक बॉक्स सा बन गया है। ठीक है, यानी कि पिक बॉक्स से मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक मॉडिफाई कमांड ली हुई है। ठीक है, अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और एंटर कर दूंगा तो ये देखिए यहाँ पे डिलीट हो गया है। ठीक है, अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्या ये कर्सर पिक बॉक्स में कन्वर्ट सिर्फ एक ही मॉडिफाई कमांड के लिए होता है या सभी मॉडिफाइड कमांड्स के लिए कन्वर्ट होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये कर्सर सभी मॉडिफाइड कमांड्स के लिए कन्वर्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे मूव कमांड ले लेता हूँ तो देखिए अभी यहाँ पे पिक बॉक्स में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक ये हमारा स्केल कमांड है इसको लिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। वापस अगर मैं आपको शो करके दिखाऊँ ड्रॉ कमांड के बारे में, ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ, ये मैं ड्रॉ कमांड है तो यहाँ पे प्लस पॉइंट बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस कर्सर का यूज़ कर सकते हो तीन तरह से। एक तो आपका ये जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक तो ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे ड्रॉ कमांड लोगे तो प्लस पॉइंट में बन जाएगा, दो हो गए, और एक यहाँ पे मॉडिफाई कमांड लोगे तो ये एक पिक बॉक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कर्सर ऑटो कैड में बेसिकली तीन तरह से काम करता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि कर्सर का जैसे कि ये साइज़ है, इसको छोटा बड़ा करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, एक ऑप्शन नाम की सेटिंग होती है, उसमें जाके एडिट करते हैं। तो ऑप्शन नाम की सेटिंग देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं ऊपर, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन नाम की सेटिंग, यहाँ पे ऑप्शन नाम का ऑप्शन है आपके लिए, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, अगर मुझे इस डायलॉग बॉक्स को देखिए सबसे पहले किस तरह से ओपन कर सकता हूँ, एक तो मैंने यहाँ से यहाँ पे क्लिक किया, इसको ओपन कर लिया। ठीक है, टाइप नंबर टू यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये देखिए ये फिर से ओपन हो गया। ठीक है, अभी फ्रेंड देखिए मैं अपनी वीडियोस में आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि आप फास्ट तरीके से कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में ज़्यादा मैं काम करता हूँ। देखिए अभी मुझे इस ऑप्शन को फास्ट और शॉर्ट ट्रिक्स में और ईजी टिप्स में कैसे एक्टिवेट करना है, तो सिंपल है, ओपी एंटर कर दूंगा। ये देखिए इतना आसान तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, अभी बात करते हैं कि कर्सर के साइज़ को बड़ा या छोटा कैसे करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ऊपर डिस्प्ले पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्रॉस हेयर साइज़ का ऑप्शन है। ठीक है,
अभी हमें इसको बड़ा या छोटा करूँगा तो हमारे कर्सर का साइज़ बड़ा या छोटा हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर दिया, मैंने 83 कर दिया। इस यहाँ पे अप्लाई करूँगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए हमारा कर्सर कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर से मैं इसको छोटा करूँगा तो एंटर करूँगा ओपी, और यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने 23 ले लिया इसको, और अप्लाई कर दूंगा ओके। ठीक है, इस तरह से आप अपने कर्सर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अभी ऑटो कैड की कुछ और बेसिक सेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं अपने इस कर्सर को यहाँ पे किसी कमांड पे लाके रख देता हूँ, क्लिक नहीं करना है, सिर्फ रख देता हूँ। तो ये देखिए अभी ये क्या काम कर रहा है, इस कमांड के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये कमांड क्या होती है और किस तरह से यूज़ की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर किसी दूसरी कमांड पे ले जाके रखूंगा, क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ रख दूंगा इसको कर्सर को, तो ये देखिए इस तरह से आपको डिटेल शो करेगा। ठीक है, पूरा ग्राफ शो करेगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप उसको कैसे ऑफ करोगे? ठीक है, आप ओपी एंटर करोगे सिंपल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको ये शो टूल टिप्स का नाम का एक ऑप्शन चेक है। ठीक है, अगर आपको वो ऑप्शंस नहीं चाहिए तो इस पर मैं अनचेक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और ओके कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स अभी मैं कर्सर को यहाँ पे कमांड पे ले जाके रखूंगा तो देखिए अभी ये आपको कुछ भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे भी नहीं शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वापस अगर आपको एक्टिवेट करनी है तो ओपी एंटर करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अभी वो वापस शो होने लगेगी। अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे शो हो रही है इस तरह से। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे शो शॉर्ट कीज इन टूल टिप, यानी कि जो फर्स्ट आपको टिप्स ऑप्शन आपको शो हो रहा था कमांड के बारे में, एक तो ये वो है। ठीक है, अभी शो एक्सटेंड टूल टिप्स, यानी कि पूरा फुल डिस्क्रिप्शन आपको दिखाया गया। ये दो पहले तो स्टार्टिंग में दिखाता है, फिर 2 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स टू डिले लिखा हुआ है, 2 सेकंड्स के बाद दिखाता है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा और अप्लाई करूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा कर्सर को। अभी ये देखिए सिर्फ सिंपल स्केल कमांड के बारे में बता रहा है, इसका फुल डिस्क्रिप्शन नहीं दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। वापस ओपी एंटर करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा अगर मुझे इसको चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज कीजिए ये हमारा ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे ये ऑप्शन है आपको डिस्प्ले स्क्रॉल बार इन ड्राइंग विंडो, तो इस पर अनचेक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको गायब कर सकते हैं, और अगर वापस चाहिए तो इस पर क्लिक करूंगा और फिर अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए वापस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्प्ले ड्राइंग स्टेटस बार। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो आपको ये जो शो हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ये जो आपको ये शो हो रहा है ये हमारा ड्राइंग स्टेटस बार है। ठीक है, ये कम्प्लीट, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसको मैं अनचेक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं इस पर वापस क्लिक करूंगा और यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए ये सभी चीज़ें वापस आ गई हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ लार्ज बटन्स फॉर टूल बार्स। ये क्या होता है, देखिए अभी यहाँ पे ये साइड में हमारे टूल बार्स हैं, ये सभी ऊपर ये जो यहाँ पे शो हो रहे हैं आपको, ये भी हमारे टूल बार्स है, ये भी स्मॉल आइकन्स में है। ठीक है, अगर मुझे बड़े चाहिए, बड़े लार्ज करने हैं थोड़े से, तो वो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये बड़े हो गए हैं अभी। ठीक है, अभी मैं वापस जाऊँगा, मुझे यहाँ पे छोटे करने हैं, तो मैं इनको यूज़ लार्ज आइकन को मैं यहाँ पे क्लिक अनचेक कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए ये सभी यहाँ पे छोटे हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी एक और ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की, बहुत इंजीनियर्स की ये प्रॉब्लम्स आती है कि सपोज कीजिए कुछ यहाँ पे जो आपको ये बैकग्राउंड शो हो रहा है, ये वाला ये डिस्प्ले जो शो हो रही है ये ब्लैक कलर में है। ठीक है, मुझे ये व्हाइट कलर में करनी है। व्हाइट कलर में कुछ इंजीनियर्स काम करना पसंद करते हैं, तो वो कैसे करेंगे? देखिए उस पर यहाँ पे ओपी एंटर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कलर्स नाम का, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2D मॉडल स्पेस पे क्लिक रखना है और यूनिफॉर्म बैकग्राउंड पे करना है। अभी आपको अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, जैसे व्हाइट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और व्हाइट पे क्लिक करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ये देखिए ये भी हमारा कलर व्हाइट में चेंज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वापस डार्क कलर करना है ब्लैक, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और व्हाइट पे क्लिक करके फिर ब्लैक कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रिड लाइंस हैं इनकी ओपेसिटी को ज़्यादा हो गई, यानी कि ज़्यादा शो हो रही हैं। ठीक है, अगर मुझे पहले की तरह करना है, ठीक है, इनकी ओपेसिटी कम करनी है, तो वो कैसे करूँगा, ओपी एंटर करूँगा। ठीक है, कलर्स पे जाऊँगा और यहाँ पे रिस्टोर ऑल कंटेंट्स पे क्लिक करूँगा।
ठीक है। या भी ये रिस्टोर का ऑप्शन आया, डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर ऑल डिफॉल्ट कलर्स इन ऑल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रिस्टोर करूंगा और अप्लाई और ओके कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी पहले की तरह हमारी ये ग्रिड लाइंस की ओपेसिटी कम हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात करते हैं। ओ पी एंटर करूंगा और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ओपन एंड सेव। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है कि फाइल सेव एज, यानी कि फाइल हमारी जो सेव होती है वो किस फॉर्मेट में सेव होती है। ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इंटरव्यू में और एग्जाम्स में, ऑटोकैड का जो एग्जाम्स होता है उसमें भी पूछा जा चुका है कि ऑटोकैड की फाइल फॉर्मेट क्या होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऑटोकैड का फाइल फॉर्मेट होता है ऑटोकैड फाइल का नाम .dwg, ठीक है, यानी कि ऑटोकैड की जो फाइल सेव होती है वो .dwg फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करने से पहले बताना चाहूँगा कि ऑटोकैड में कुछ सेटिंग्स डिफॉल्ट होती हैं। जब आप ऑटोकैड को इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ सेटिंग्स डिफॉल्ट होती हैं, उनको आपको नहीं छेड़ना है। जो मार्क टिक है, चेक है, तो उसको क्लिक ही रहने देना है, अनचेक नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसका बेसिकली क्या यूज़ होता है, देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक तो हमारा ये स्नैप मार्कर है, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा एक अपर्चर साइज। ये दोनों क्या होते हैं, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा। ठीक है, अभी देखिए ये जो हमारे कर्सर के बीच में जो आपको रेक्टेंगल शो हो रहा है, ठीक है, आपको अगर इसका साइज बड़ा करना है तो वो कैसे करेंगे, ओ पी एंटर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ड्राफ्टिंग पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे आपको बड़ा या छोटा करना है, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको ना बड़ा रखूँगा ना छोटा रखूँगा, मैं मीडियम रखूँगा। ठीक है, अप्लाई हो गया, ये देखिए, ठीक है, ये मैंने मीडियम रखा हुआ है। अभी ओ पी एंटर करूँगा, ओ पी एंटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑटो स्नैप मार्कर साइज, ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई रेक्टेंगल लिया, ठीक है, ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया, अभी यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये एक छोटा सा रेक्टेंगल शो रहा है ग्रीन कलर का। ठीक है, यहाँ पे मिड पॉइंट शो रहा है ये, फिर आपको ये ग्रीन कलर शो रहा है, इसको हम ऑटो स्नैप मार्कर बोलते हैं। अगर आपको इसका साइज बड़ा या छोटा करना है तो आप ऑप्शंस में जाके सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओ पी एंटर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बड़ा करूँगा, तो ये देखिए अप्लाई हो गया है, ओके करूँगा, फिर से मैं लाइन कमांड लूँगा, तो ये देखिए कितना बड़ा इसका रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओ पी एंटर करूँगा फिर से, और इसका साइज को मैं मीडियम ले लेता हूँ, अप्लाई कर दिया मैंने अभी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन। अभी देखिए सिलेक्शन में आपको दो पॉइंट शो हो रहे हैं, पिक बॉक्स और ग्रिप साइज। ठीक है, पिक बॉक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा जो कर्सर है जब हम मॉडिफाई कमांड में चले जाते हैं और यूज़ करते हैं तो हमारा ये कर्सर पिक बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर मुझे पिक बॉक्स का यहाँ पे साइज़ बड़ा या छोटा करना है तो मैं उस तरह से कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और अप्लाई करूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे मॉडिफाइड कमांड ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मूव कमांड लिया, अभी देखिए हमारा कितना बड़ा पिक बॉक्स बन गया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वापस मैं ओ पी एंटर करूँगा और इसको मीडियम साइज ले लेता हूँ और अभी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ओके कर दूंगा। अभी बात करेंगे ग्रिप के बारे में, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिप्स क्या होती हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल शो हो रहा है, सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए अभी यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर में ये बॉक्सेस शो हो रहे हैं, ये देखिए कि यहाँ पे बॉक्स है, एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है, इनको हम ग्रिप्स बोलते हैं, और अगर आपको इनका साइज बड़ा या छोटा करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, ओ पी एंटर करूँगा। यहाँ पे देखिए ग्रिप साइज है हमारा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और अप्लाई करूंगा और ओके कर दूंगा, वापस सिलेक्ट करूंगा, ये देखिए आपका कितना बड़ा साइज हो गया है। ठीक है, और इनका यूज़ क्या होता है बेसिकली ग्रिप साइज का, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ग्रिप का यूज़ होता है कि यहाँ पे आपको ये शो करता है कि रेक्टेंगल का ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है। ठीक है, और यूज़ क्या होता है कि आप इनको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको स्ट्रेच कर लेंगे, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए वापस मुझे अपनी ग्रिप साइज़ को मीडियम करना है तो ओ पी एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं इसको मीडियम कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने इसको मीडियम कर दिया है और अप्लाई कर दिया है और ओके कर दूंगा। ठीक है, वापस सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए मीडियम हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि सपोज कीजिए मुझे अपनी ये जो हमारी बैकग्राउंड की ग्रिड लाइंस हैं और ये हमारा कर्सर है, मुझे इनका कलर चेंज करना है। ठीक है, वैसे तो वाइट कलर में ही सभी यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए कि मुझे यूज़ करना है, एडिट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा,
ओपी एंटर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, कलर्स पे क्लिक करूंगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं कुछ भी एडिट करूंगा तो यहाँ पे आपको सब शो होता रहेगा, यहाँ पे देखते रहिएगा आप। जैसे कि हमारा कर्सर है, क्रॉस हेयर कर्सर, यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसका कलर यहाँ पे अभी व्हाइट लिया हुआ है इसने, ठीक है। मुझे जैसे कि यहाँ पे रेड कलर लेना है तो रेड पे क्लिक करूंगा। अभी देखिए ये हमारा कर्सर यहाँ पे रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी सपोज कीजिए, जैसे कि मुझे ग्रिड की मेजर लाइंस को यहाँ पे कुछ कलर देना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा। अभी डार्क कलर में है, सो सपोज कीजिए येलो कलर में देना है, तो ये देखिए येलो में चेंज हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ओके कर दूंगा मैं, अप्लाई करूँगा, अप्लाई करके और ओके कर दूंगा। ये देखिए ये येलो कलर में हो गई है, और अभी जो हमारा कर्सर है ये रेड कलर में हो गया, ठीक है। अभी देखिए फिर, जैसे कि मुझे अपने कर्सर को वापस व्हाइट में करना है तो मैं कैसे करूँगा, ओ पी एंटर करूँगा और यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है, सिर्फ आपको रिस्टोर ऑल कंटेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करूँगा, रिस्टोर पे क्लिक करूँगा और अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई और ओके। अभी देखिए यहाँ पे अभी हमारी सारी सेटिंग रिस्टोर हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी ऑटो कैड की कुछ बेसिक सेटिंग्स। आशा करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई होगी, और अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो अपनी प्रॉब्लम को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं अपनी अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कॉमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।